सो फ्रेंड्स, आप भी व्हाट्सएप पर वेरिफिकेशन कोड को लेकर परेशान है, आप जैसे नंबर को फिल कर रहे हैं वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा वेरिफिकेशन कोड से रिलेटेड। आप उसको अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली है कि 2 मिनट के अंदर ही आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो सक्सेसफुल रिसीव हो जाएगा और आप उस कोड की माध्यम से, उस कोड की मदद से अपने व्हाट्सएप को लॉग इन कर पाओगे। कैसे काम करता है ये फीचर, किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखना। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऑप्शंस पे टाइप करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरा कोड क्यों नहीं आ रहा। सेटिंग पे गया, यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऑप्शंस पे मैं टाइप कर लेता हूँ। अगर आपको अभी तक ये फीचर नहीं मिला होगा तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। इस फीचर को इनेबल करने के लिए कैसे यूज़ करना है सारा कुछ डिटेल्स में आपको वहाँ उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू पे टाइप करेंगे, यहाँ आपको नंबर एंटर करना होगा। चलिए मैं नंबर को फिल कर लेता हूँ, तभी मेरा कोड आएगा नहीं, आप लोग भी खुद लाइव देख सकते हो। आपको नंबर को इंटर करने के बाद नेक्स्ट मैं टाइप किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, वेट कर रहा थोड़ा सा। अब यहाँ पॉपअप शो हुआ, मैं ओके पे टाइप किया। ओके पे टाइप करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई अनदर वे, तो मैं मैसेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेंड एसएमएस मैंने टाइप किया। अब देखिए रिक्वेस्ट एंड एसएमएस, ऐसा तो प्रोसेस सबको हो रहा होगा ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे कोड नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे बहुत देर वेट किया फ्रेंड्स, बट यहाँ पे कोड मुझे आ ही नहीं रहा, जो कि 6 डिजिट का कोड होता है। जब तक हम उसको फिल नहीं करें तब तक हम व्हाट्सअप अकाउंट को ओपन नहीं कर, लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से फेस कर पा रहे हो, आपका लॉगिन कोड नहीं आ रहा, आपके नंबर पर रिचार्ज भी है, सारा कुछ है, बट कोड नहीं आ रहा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक कर लेना है और बैक करके अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। आप चाहे तो कोई से ब्राउज़र को यूज में ले सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्रोम को यूज़ कीजिए, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। एंड सर्च का जो ऑप्शन, इसके ऊपर टाइप कीजिएगा, यहाँ आपको लिखना होगा कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप इस तरीके से, और सर्च कर लेंगे। फर्स्ट वेबसाइट पे टाइप करना है कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर, यहाँ पे टाइप करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सको। आप देखिए यहाँ पे मिलेगा व्हाट्सअप बिजनेस सपोर्ट और व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट, आपको इसके ऊपर टाइप करना है। एक ब्लू कलर का आइकन मिलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना इंडिया कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा, तो अपने हिसाब से अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो 91+ यहाँ पे जो है इंडिया कंट्री कोड आपको पता ही होगा, उसी को सिलेक्ट करना। एंड यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना, जिस मोबाइल नंबर पर कोड नहीं रिसीव हो रहा है, ठीक है, उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में इंटर करना होगा। एंड आपका जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर करना होगा, जो जीमेल आईडी आपके डिवाइस के अंदर लॉगिन होगा, ठीक है, वही जीमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा। एंड ये सारा कुछ देने के बाद यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन हाउ डू यू यूज व्हाट्सअप, तो आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तब अगर आपके पास आईफोन है, आईफोन में कोड रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तब आईफोन को चूज़ करना है। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है, कोई लैपटॉप है, तो आप इसको सिलेक्ट करना है, बट मेरे केस में तो एंड्रॉयड डिवाइस है, तब यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे बॉक्स को फिल कर लेता हूँ, आपको पता है, बता ही दिया मैंने कौन से बॉक्स में क्या क्या चीज़ फिल करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी गाइड करूँगा आपको यहाँ पर फॉलो करने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको सारा बॉक्स के अंदर मैं फिल कर लूँगा अपने डिटेल्स। फ्रेंड्स, जब आप सारा डिटेल्स को फिल कर लोगे ऊपर में, तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स के अंदर आपको सिंपल लिखना होगा, देखिए इस तरीके से लिखना है OTP वेरिफिकेशन नॉट रिसीव्ड, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करना है। नेक्स्ट स्टेप पर टैप कीजिएगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड यहाँ मिलेगा सेंड क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको टैप करना है। सेंड क्वेश्चन पर जैसे ही फ्रेंड्स आप टैप कर लेंगे, तो आपका जो रिपोर्ट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। देखिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड, यहाँ पे सेंड हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम है ना वो 72 आवर्स यानी 72 घंटे है, बट आपको घबराना नहीं है, 72 घंटे आपको टाइम नहीं देना है, ये मतलब 30 मिनट्स के अंदर ही आपको इस ईमेल पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। मेरे ख्याल से लग रहा है कि अभी आप ही गए, मैं एक बार ईमेल को चेक कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको एक OTP आपको ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। देखिए अभी तो मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजर सपोर्ट को जो मेल किया हूँ उनके तरफ से मुझे एक मेल मिला हुआ है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे OTP भी आ जाएगा। अगर आपके नंबर पर OTP नहीं आएगा ना, तो आपको ईमेल पर आ जाएगा। बस याद रखिएगा ये ईमेल आपके डिवाइस के अंदर मतलब लॉगिन होना चाहिए, बस उस OTP को आप लेके आप वहाँ पे व्हाट्सएप को लॉगिन कर पाओगे इजीली। मैं तो अपने केस में ऐसे ही हुआ है, बट अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं जब सारा प्रोसेस किया तो उस टाइम मैं वीडियो को शूट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं आपको सारा कुछ होने के बाद ये वीडियो शूट किया हूँ, ताकि मैं पहले खुद सेटिस्फाइड होता हूँ कि हाँ क्या मुझे वो चीज़ कम्प्लीट हो रहा है या नहीं, तो ये मैं दूसरे के साथ शेयर करता हूँ। तो 100% हो जाएगा फ्रेंड्स, बस आपको वेट करना है, 30 मिनट्स वेट कीजिएगा, 100% आपको OTP आना स्टार्ट हो जाएगा। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, और सॉल्व हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके के नॉलेज वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।